नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुदाने के कटलेट। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, साबुदाना कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी साबुदाना। इसको हमने 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। पानी हमने उससे डबल लिया, जितना साबुदाना लेना है उससे डबल पानी रखना है। जैसे एक कटोरी हमने साबुदाना लिया है तो दो कटोरी पानी में इसको भिगोया जिससे अच्छी तरह से फूल जाएगा। देखिए भीग चुका है। भीगने के बाद अब हम 15 मिनट के लिए इसको मैं निकाल के हमने रख दिया था। अब हमने लिए है 5-6 मीडियम साइज के आलू, भीगा हुआ एक कटोरी साबुदाना। देखिए अच्छे से भीग चुका है। अब हमने इसको लेंगे आधी कटोरी मूंगफली के दाने छिलके निकाले हुए तथा रोस्टेड, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो हम थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं। अब हमने आलू को मैश कर लिया है अच्छे से। अब इसमें सारी चीजें मिलाएंगे। देखिए साबुदाना हमने डाला है जो पहले से भिगो के अच्छे से भीग चुका था और इसका पानी सारा अब्जॉर्ब हो गया था इसमें, इसको हमने इसमें डाल दिया। धनिया, अदरक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। नमक हमने 1.5 चम्मच लिया और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमें अच्छे से करना है जिससे टेस्ट इवन रहे, नहीं तो अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो इसका टेस्ट इवन नहीं रहेगा। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब कटलेट का मटेरियल जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन की है, उस पे पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे जो 250 ml है। 250 ml हमने इसमें ऑयल डाला है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए ऑयल थोड़ा ज्यादा दिया है। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे, तब तक कटलेट बना लेते हैं। कटलेट बनाने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है जो हाथ पे लगा करके इनको सेव देना है। अगर ऑयल हमने हाथ में इसलिए लगाया है जिससे ये चिपके नहीं और सेव भी अच्छा रहे। आप चाहे तो पानी से पानी भी यूज कर सकते हैं, पानी से भी हो जाएगा लेकिन ऑयल ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से हम 10-12 कटलेट बना करके रख लेंगे, तब तक उधर ऑयल गर्म हो रहा है। कटलेट बन चुके हैं, अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। देखते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है कि नहीं। अभी गरम हुआ, देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें धुआं निकलने लगा। अब हम इनको एक एक करके डालेंगे और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, तेज नहीं रखना है ना ज्यादा स्लो रखना है।
देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए, इनको हम एक एक करके पलट लेंगे। जैसे एक तरफ से हुए इसी तरह से दूसरे साइड भी हो जाने चाहिए, इसलिए इनको हम पलट के उसी तरह से बिल्कुल होने देंगे। बीच बीच में इनको दबाते जाएंगे जिससे क्रिस्पी बने, वरना ऊपर से तो क्रिस्पी जैसे दिखेंगे, होंगे नहीं क्रिस्पी, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इनको हम निकालें, देखिए हो चुके हैं, दूसरे साइड भी वैसे ही हो गए। इन्हें हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इनका निकल जाए। ठीक उसी तरह से हम और भी जो बचे थे वो भी कटलेट डीप फ्राई कर लेंगे। को भी पलट लेते हैं। ठीक उसी तरह से इनको भी दबा दबा के ही सेकना है। ठीक हो चुके हैं, अभी ने भी निकाल लेते हैं कि दोनों साइड ब्राउन हो गए अच्छे से। इनको हमने निकाल लिया है। अब हमने प्लेट में टिश्यू पेपर डाल के इनको लगाया जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए कितने क्रिस्पी बने और टेस्टी भी बने हैं। आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए और बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।